ना कुटुंब सभ्युलारा तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए न कांग्रेस की सरकार चाहिए, तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्ति की है। मोदी के लिए गरीबों का कल्याण सर्वोपरि है। एक तरफ फार्म हाउस सीएम केसीआर है और दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी है। ये आपके केसीआर को इतने अंधविश्वासी है, इतने अंधविश्वासी है, किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ेगी, अगर कहीं पर भी मोदी की परछाई भी तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस दिन से ये ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति, उस दिन से वो मेरे से 50 फुट दूर रहते हैं, न एयरपोर्ट लेने आते हैं, न मीटिंग में आते हैं। किसी ने सुन के दिमाग में भर दिया है कि मोदी का शैडो, मोदी की परछाई अगर केसीआर पर पड़ गई तो उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे अंधविश्वासी लोग, ऐसे अंधविश्वासी लोग क्या तेलंगाना जैसे आधुनिक सोच वाले नौजवानों का भला कर सकते हैं? मोदी सरकार गरीब से गरीब को पक्का घर देने में जुटी है, लेकिन यहां की करप्ट केसीआर सरकार ने गरीबों को 2 बेडरूम फ्लैट देने का वादा पूरा नहीं किया और मोदी ने गरीबों के जो लाखों घर बनाए उनको भी यहां की सरकार लाभार्थियों को मिलने नहीं दे रही है। ये जांच का विषय है। हजारों मकान बने हुए हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? कोई कटकी का हिसाब किताब बाकी है क्या? इसलिए रोक करके बैठे हो क्या? केसीआर सरकार ये बहुत बड़ा पाप कर रही है और ऐसी सरकार को सजा तेलंगाना का हर गरीब देने वाला है।